विधिद्रविषयान् राश्यभोगान् सरिष्टान् वस्त्राचरणान् समर्थि विभवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण आत्मसौनस्तुलीय सभी जो है जागने के बाद ध्यान रखना स्वप्न मिथ्या कब बोलते हैं स्वप्न निद्रा से जग जाते हैं तब बोलते हैं कि स्वप्न मिथ्या है ठीक इसी प्रकार जागृत भी हमारी माया निद्रा में सोए हुए मतलब अज्ञान आवरण में अब अन्यथा गृहत स्वप्न निद्रा तत्व अजाना अत्र को नहीं जानना ही निद्रा है बोल रखा है अब इस माया निद्रा में हम सोए हुए हैं जब तक हम इस निद्रा में नहीं जगेंगे तब तक तो जगत सत्य जैसे रह गए प्रतीति होगी परंतु क्या होता है उसमें पारमार्थिक सत्य नहीं है ये निश्चय करके शास्त्र वाक्य से निश्चय करके जब हम ऐसा अनुकूल व्यवहार करके अंतकरण को शुद्ध करते रहेंगे तब अपने आप ये वस्तु को समझ में आ जाता है कि पारमार्थिक नहीं है। जिस प्रकार जागने से पहले कई व्यक्ति का होता है कि दिल खुला हुआ है फिर भी थोड़ा पड़ा हुआ है तो कुछ ऐसे मन में आ जाता है कुछ भी जो है जब तक वो कुछ खड़ा नहीं होता तब तक जो है वो चीज प्रतीति कुछ होता रहे प्रतीति कुछ दिखाई पड़ता है ठीक इसी प्रकार शास्त्र सुनने पर भी परोक्ष ज्ञान हो रहा है परंतु फिर भी जब तक अपरोक्ष अनुभूति नहीं होता तब तक क्या होता है उसमें कुछ सत्य बुद्धि बार बार में चिंता आ जाता है। अब जो है स्वप्न मिथ्यात्व को लेकर के क्या क्या हेतु दिए थे अयथार्थ देश अयथार्थ काल कोई प्रमाण की अभाव किसी संबंधी के अभाव फिर प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता संस्कार वहाँ पे तो अस्फुट रूप में दिखाई पड़ता है बाजार का स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है ये कई हेतु लेकर के इसको समझाएंगे ठीक इसी प्रकार से ही जागृत प्रपंच में दिखाई दे रहा है। शास्त्र बोलता है कि एकदम सर्वम जदय महात्मा सर्वम खर एकदम ब्रह्म क्या था सर्वम खर एकदम नाम रूप मतलब हमको रज्जु नहीं दिखाई देगा इसलिए हमको क्या दिखाई सर्व को दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से ये अयथार्थ देश अयथार्थ काल जबकि हम इसको अंतर मानते हैं कि नित्य है परंतु भगवान के समय के सब ब्रह्मा जो ईसा बनित तो वस्तु स्वप्न की समस्या में कम समय इसीलिए इसमें यथार्थ देश नहीं है यथार्थ काल नहीं है और कोई महापुरुष इसका सहमति भी नहीं देते कोई जिसको साथ आपने व्यवहार करता है वो भी आपको हम सोचते हैं आपको आनंद मिलेगा वो नहीं मिलता वो भी आपको साथ नहीं मिलता इस प्रकार सभी मतलब युक्ति के कारण जागृत भी शब्द की तरह मिलता है मतलब प्रतिदिन कब तक होगा जब तक हम पूरा पूरा नहीं जागेंगे और ज्ञानी पुरुष के लिए का जगत प्रतिदिन नहीं तक होती है परंतु क्या होता है जिस प्रकार मरुभूमि में पानी की भ्रांति हुई आपको आपको निश्चय हो गया कि वहाँ प्राणी नहीं है परंतु यदि धूप निकलते हैं और वहाँ पर आप है तो आपके सामने चाकचिक्यता दिखाई देगा परंतु आप क्या होगा वहाँ पर पानी नहीं है ये निश्चय है ठीक इसी प्रकार जीवन मुक्त उसी व्यवहार ऐसे अब कौन कल्पना पहले किया था आपने बोला कि सारा कल्पित है तो स्वप्न दृष्ट कल्पित है नहीं तो कौन कल्पना किया था वही आत्मा सबसे पहले कल्पना किया प्रभु शब्द बोला किसको कल्पना किया जीव रूप में कल्पना किया अब फिर आपने बोले कि वस्तु को अपने 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 आप कल्पना करते बोले कि वस्तु क्या है प्राण से लेकर के शुरू किया था प्राणादि भी अनंत भावे रीति विकल्पित ये आत्मा कई भावों से ये विकल्पित हुआ माया ही ऐसा तस्य देवस्य उस देवता की माया है यया सम्मोहितम स्वयं उस माया के द्वारा अपने आप ही मोहित होकर उसको प्रसव होता है ये प्राण से लेकर के देखो कल हम प्राण
भूत गुण और जो है फिर पाशुपति मत में तीन चीज। अब कोई कहे पाठ को सत्य मानता है, कोई विषय को सत्य मानता है, कोई लोक को सत्य मानता है, कोई देवता को सत्य मानता है, कोई वेद को सत्य मानता है, कोई यज्ञ को मानते हैं, कोई भोक्ता को मानता है, कोई भोग्य वस्तु को मानता है, अलग अलग बातों की अलग अलग मत है। कोई सूक्ष्म शरीर आवागमन करता रहे तो नित्य से वही आत्मा है, कोई कहता है स्थूल शरीर आत्मा है क्योंकि स्थूल के बिना सूक्ष्म बोध नहीं कर सकता है, कोई मूर्त अमूर्त ऐसा करते अलग अलग वादियों के अलग अलग मन को दिखाए। फिर कोई कहता है नहीं नहीं काल ही सब कुछ है, काल में सब कुछ अपने आप होते हैं इसलिए, और कोई कहता है कोई स्थान में चाहिए विश्व जागत भी काल कुछ काल नहीं कर सकते हैं इसलिए कोई तत्व है, है ना। इसी प्रकार से आप सिद्धांत तो दिए बिना आप कुछ काम कर नहीं सकते इसलिए सिद्धांत भी मुख्य तत्व है। इसी प्रकार से अलग अलग वादियों का अलग अलग मन दिखाए। हम 24 तक हम लोग कर लेंगे, आज 25 से शुरू हो। अब फिर इस वादियों को लेकर के कोई मन को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है, कुछ चित्त को आत्मा मानते हैं, इन लोगों को मत को लेकर के अगला श्लोक आ रहा है। लेकिन 25 शुरू हो रहा है। मनो एव आत्मा इति लोकायत भेद, मतलब ये जो लोकोत्थान दे रहा है ये चार्वाकवादियों का एक सिद्धांत तो है। कोई स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है, बहुत दो क्षणिक विज्ञान पर उसको लेकर के बोल रहे हैं। अब श्लोक को देखिए, मन इति मनोविदो, मनोविदो बुद्धि इति च तद्विदः, बुद्धि इति च तद्विदः चित्तम इति चित्तविदो, चित्तम इति चित्तविदो धर्माधर्मं च तद्विदः, धर्माधर्मं च तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धि इति च तद्विदः चित्तम इति चित्तविदो धर्माधर्मं च तद्विदः। कोई कहता है मन ही आत्मा है, मन तत्व को लेकर के जो चिंतन करते हैं मनोविदो, मन मनोविदो। यहाँ पे पहले में देखिए मन मन को ही आत्मा मानते हैं, विषय कथा ड्रॉप हो गया और इसीलिए विषय को रहने के कारण मनोविदो हुआ, है ना। विषय कथा वहाँ पे जैसे मनोरथ है इसलिए आप मनोविद तो मनस्पति होता है वहाँ पे मन को जानने वाला मन विद्ता। लोग कहते हैं कि मन ही जो सब कुछ है, आप खुद सोच कर देख लो जो भी कुछ काम हम करते हैं क्यों करते हैं, मन को सुख दे सके, मन सुख नहीं, सुख इसके धर्म है, मन की धर्म है, ये मानसिक सुख के लिए हम सारा कर्म करते हैं, मन ही आत्मा है, मन ही आत्मा है। ऐसा है कोई बात नहीं सर, ये यथार्थ तो नहीं है, मतलब जो ये सब तो गलत है, मतलब ऐसा मानने वाले हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ काम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, और सुख जो है मन के धर्म है इसलिए मन ही आत्मा है, मैं सुखी हूँ। क्या बोलते हैं लोग, मैं सुखी हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं मन के साथ अगत्म करके बोल रहे हैं, इसलिए मन को आत्मा मानते हैं। परंतु मन तो किसी वस्तु के जानने के लिए करण है, तो करण आत्मा कैसे हो सकता है, और आत्मा को जो नित्य अव्यभिचारी बोलते हैं परंतु मन पर व्यभिचार करते हैं, इससे कई निधन के कारण जो है मन आत्मा नहीं हो सकते सिद्धांत के पक्ष में। तो हाँ ठीक बोला आपने, मन आत्मा नहीं हो सकता क्योंकि मन अपना आप नहीं करता, बुद्धि जैसा बोलती है वैसा करती है, बुद्धि जैसा निर्देश देते ऐसा मन करते हैं, इसीलिए मन आत्मा नहीं बुद्धि आत्मा। यहाँ पे बुद्धि मतलब निश्चय आत्मिक बुद्धि के बोलते हुए जब देखें जिसमें वस्तु की प्रतिभास होता है उसको बुद्धि मान, और निश्चय आत्मिक बुद्धि वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार बोलो जिससे सारा वस्तु को मतलब आप प्रतिभास जिसमें होता है बुद्धि ज्ञान को होता है, बुद्धि की तदवीद होते। अरे भाई चाहे बुद्धि बोलो चाहे मन बोलो, यदि तुम्हारे पास संस्कार नहीं है तो तुम कुछ भी निर्णय नहीं कर पाओगे, निर्णय नहीं कर पाओगे तो कर्म भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये चित्त भूमि के संस्कार का आश्रय है, जन्मांतर संस्कार वर्तमान के संस्कार जो भी ज्ञान हो उसका संस्कार चित्त भूमि में, इसीलिए ये वस्तु ऐसा है मैं इस काम को करूँगा इसलिए क्योंकि दूसरे अनुभव का अनुकूल अनुभव है इसलिए मैं करूँगा, ये कहाँ से आता है, चित्त से आता है, इसे चित्त आत्मा है, चित्त आत्मा है एक के बाद। जब बोलते भाई तुम चाहे सुख भोगो चाहे दुख भोगो चाहे कुछ भी होगो, धर्माचरण किए बिना कुछ नहीं हो सकता, धर्माचरण करेगा तो पुण्य होगा पुण्य से सुख प्राप्त, और अधर्माचरण करोगे तो पाप होगा तो पाप से दुख प्राप्त, इसलिए धर्म धर्म मूल धर्म।
ठीक है, लिखने की शैली भी देखिए, मतलब कितने सुंदर क्रम से लिखा हुआ है। तो ये जो भ्रांत होते हैं, हम लोग भ्रांति के पीछे उनके पक्ष में झुकती है, भ्रांति के पक्ष में झुकती है, खंडन करने के पक्ष में भी झुकती है। लेकिन ये सब तुम स्वयं ही जो आपस में लड़ते रहते, कोई कहता मन, कोई कहता बुद्धि, अब अंतरण अंतकरण करण कैसे करता हो सकता है। अब करण बोलते हैं बहिष्करण, इंद्रिया बहिष्करण और अंतकरण है। अंतर मतलब जानने के लिए, काम को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, जब एक इंस्ट्रूमेंट है। परमार्थ तत्व जो कहते हैं, पारमार्थी परमार्थ तत्व सत्य तत्व जो है, सत्य की तत्व क्या बोल रहे हैं? परमार्थ तो समझ में आया, परमार्थ आगे आप सत्य बोल रहे हैं कि तत्व बोल रहे हैं? तत्व बोल रहे हैं, तत्व। हाँ ठीक है, तो परमार्थ तत्व जो सत्य होता है उसी को परमार्थ कहते हैं, जो सत्य वही परमार्थ तत्व। हाँ, क्योंकि वो जो व्यभिचार करते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है, जो वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, उच्छेद हो जाती है। ये जो है मतलब वेदांतिक निश्चय ऐसा है, ऐसे शास्त्र ने दिखाया, इस शास्त्र के आधार पर ऐसा ही निर्णय हो। अब देखिए टीकाकार छोटे में समझा देंगे आपको इस चीज़ को। मनो एव आत्मा इति लोकायत भेद, लोकायत चार वाक्य एक विशेष, चार वाक्य भी इस प्रकार वेदांत में मॉडिफाइड होते हुए हुए शंकराचार्य आने के बाद बिल्कुल पक्का हो गया। उसी प्रकार से सभी वाक्यों के दर्शन में थोड़ा 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 उन्नति हुआ, अगला आचार्य आकर के थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं। इसी प्रकार से मन एव इति लोकायत भेद, मन ही आत्मा है, इस प्रकार से चार्वाक सिद्धांतों का एक विशेष गुण ऐसा मानते हैं। तो मन कैसे आत्मा हो सकता है? मन आत्मा होने के पीछे हमने एक छोटा ही युक्ति दे दिया, क्यों? मन ही सुख दुख को दूर करता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए सारा काम करता है। अपने मन को सुख मिले, और यदि सुख तो धर्म मन की है, और मेरे के साथ मिला करके मन का मैं सुखी हूँ, इसलिए अपने मन की सुख दुख के लिए सब काम करते हैं। इसलिए आत्मा की नहीं, मन के सुख दुख के लिए लोग सब काम करते, इसलिए मन ही आत्मा है, ये अभिप्राय है कहने का। मन जो लोग ऐसा कहते हैं चार बार कर देखो, इसलिए पूछ के देखो, हाँ मेरा मन अच्छा है, मन सुख दुख समझ रहा है, तो इससे क्या होता है, यानी कि मन के सुख दुख के लिए लोग सब काम करते हैं, इसलिए मन ही आत्मा है, ऐसा कोई बात ही मानते हैं। इसी भी प्रकाश कई लोग आपके पास मिल जाएगा, अपने आप भी लगा सकते हैं मन की आत्मा समझने के लिए, जितना युक्ति भ्रांत युक्ति, भ्रांत युक्ति है ना, क्योंकि हमारा सीधा सिंपल है, ये जो मन सुखी हुआ, मन दुख हुआ, मन में कोई वृत्ति हुआ, ये तुमने कैसे कहने, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, अतः मन सुख है कि मन दुख है, ये तुम कैसे कहने, यानी सुख दुख को समझने वाला कोई है, ठीक है ना। इसीलिए वो जो क्या हो गया, वो दृश्य हो गया, इसीलिए वो दृश्य नहीं हो सकता। वेदांतिक सुखी है जहाँ तक आप, इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब कभी भी आपको कोई वस्तु समझ में आ रहा है, मतलब दृश्य रूप में आपके सामने कोई वस्तु आ रहा है, पर दृष्टा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि दृष्टा तो इंद्रियों में वस्तु नहीं है, परंतु क्योंकि दृश्य समझ में आ रहा है, इसलिए दृष्टा पीछे, दृष्टा के बिना दृश्य समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट, आपको कई जगह पर ऐसा दिखाई नहीं देगा, कई जगह पे कोई वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, हो सकता है कुछ वैज्ञानिक का नाम नहीं हो, मतलब कुछ ना किसी व्यक्ति ने जाना, तभी जाकर उसको हमारे सामने लाया। इस प्रकार से यहाँ भी हम अपने अंदर के मन बुद्ध, बाहरी वस्तु को मैं देखना भी आसान है, परंतु अपने मन बुद्धि का मैं दृष्टा हूँ, अपनी मनोवृत्ति चित्तवृत्ति बुद्धिवृत्ति अहम वृत्ति का भी नहीं, मैं जो बोला तो ठीक है, उनने जो बोला वो ठीक है, परंतु अहंकार आत्मा है कि इसको जानने वाला कोई है ना, तो कह सकते, इसलिए इस कारण से इसे बोलते हैं तदपि भ्रांति मात्र, ये भी भ्रांति है, विद्यार्थी हमारे निष्कर्म सिद्धि, निष्कर्म सिद्धि विश्वेश्वर स्टेप बाय स्टेप अंदर लेकर के समझाएंगे। तदपि भ्रांति मात्र, ये भी एक भ्रांति ही है, तस्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुभवति, यदि मन यदि स्वतंत्र होता, जो आत्मा तो स्वतंत्र है, मन यदि स्वतंत्र होता तब क्या होता कि अपने लिए कभी भी लोग बारण करने पर भी अपने लिए जो है कोई दुख को भुला लेता, इसलिए बोलते हैं तस्य स्वातंत्र, तस्य मनुष्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपत्ति, हमें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए था, हम अपने अपने लिए सब सुखी चाहते, अपने लिए सब अच्छा ही करना चाहते हैं, पर तो स्वतंत्र नहीं है, अधीन होकर के काम करना पड़ता है, इसलिए
जो है वो भी आत्मा नहीं हो सकता है। तस्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपलब्धि, क्लेश प्राप्त होना दुख होना, तो कोई व्यक्ति अपने दुख प्राप्ति के लिए कोई भी काम नहीं करता, इसलिए ये धर्माधर्म तक पहुँचे हैं ध्यान। अस्वातंत्र घटवत अनात्मत्वा, ठीक है ना, जब उसका तो स्वतंत्रता नहीं है, मतलब मैं मन हूँ, इस प्रकार से मन अपने आप नहीं कह सकते आज मेरा मन सुखी है, आज मेरा मन दुखी है, ऐसा हम बोलते हैं, यानी कि मन में स्वतंत्रता नहीं, उसको जानने वाला कोई है तभी जाकर ऐसा बोलते हैं। तो जिस प्रकार ये कटोरी नहीं कह सकता मैं कटोरी हूँ, परंतु उस कटोरी को मैं ये कहता हूँ ये कटोरी है, मैं जान तो इसको समझता हूँ, इसी प्रकार मन भी ऐसे दृश्य है, इसीलिए मन भी आत्मा नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं अस्वातंत्र। इस प्रकार अस्वतंत्रता होने के कारण घटवत, घट की तरह अनात्मत्व, तो अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर पाने के कारण कर्णत्व, और शास्त्र ने देखा, हम भी समझते हैं, अपने भी समझते, ये करण है, पेन, पेन कभी मैं नहीं हो सकता, पेन कभी हाथ नहीं हो सकता, कि पेन के कारण हम लिखते हैं, ये करण है, और पेन अपने आप को प्रकाशित दूर से नहीं, ये जड़ है, घट की तरह अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकता कि मैं लिखने का काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसके द्वारा लिखने का काम, इस कारण से ये जो है स्वतंत्रता नहीं है, इसका अपने आप नहीं चल सकते हैं, और किसी का अधीन होकर के चलना पड़ता है, इसको अपने आप कुछ नहीं कर सकते। घड़ा भी सोचे धूप में ढक दिया, घड़ा ऐसा सोचे कि मेरे को बहुत धूप लग रहा है, मैं थोड़ा अंदर जा करके बैठ जाऊँ, आ सकता है कि नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कुत्ता बिलने में देर संभव है, वहाँ चेतन बैठे, इसमें भी है पंत, इसके तो कर्म ऐसा है कि हाथ पर नहीं मिले। इस प्रकार से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अस्वातंत्र घटवत अनात्मत्व, पुस्तक किसने किया गया कर्णत्व, जिस प्रकार लाइट जला करके मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, लाइट जला करके मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, लाइट हो गया करण, पुस्तक हो गया कर्म, और मैं हो गया करता, प्रकाश के द्वारा मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, प्रकाश हो गया करण, पुस्तक हो गया कर्म, मैं हो गया कर्ता, ठीक है। यहाँ पे जो करण है वो कर्ता कैसे हो सकता है, करण अलग होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं दीपवत आत्मत्व अजोगा, जैसे प्रकाश आत्मा नहीं हो सकता है, दीप आत्मा नहीं हो सकता, प्रकाश करने वाला है, इन्हें मत समझना कि दीप मतलब आत्मा, बोलते हैं कि ये करण है, जिस प्रकाश में हम पढ़ते हैं इस प्रकार आत्मा मन भी एक करण है, मन के द्वारा हम विषय को जानते हैं, मन आत्मा नहीं हो सकता। तीन डिजन एक दिए यहाँ पर देखिए, और क्योंकि उनकी स्वतंत्रता नहीं है एक च, और घटवत अनात्मत्ता, विषय घट घट की तरह ये अनात्मा है ना, हमको तो स्पष्ट खरा मैं नहीं हूँ, परंतु मैं सुखी हूँ, क्या गलती हो रही है यहाँ पे, घरा मैं नहीं हूँ, क्यों, घरा को मैं देख रहा हूँ, ये तो निश्चित है, और मैं सुखी हूँ, ये सुख किसके धर्म है, आत्मा के धर्म, आत्मा यदि सुखी दुखी होगा तो आत्मा भिखारी हो जाएगा, आत्मा यदि सुखी दुखी होगा तो आत्मा भिखारी हो जाएगा, इसीलिए क्या हो गया कि आत्मा जो है मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब सुख दुख आत्मा का धर्म नहीं हो सकता, तो सुख दुख मन के धर्म, अब इस मन के धर्म को जो मैं जानता हूँ, अब ये सुख है ये दुख है, इस सुख से जानता हूँ मैं, परंतु अज्ञान के कारण क्या करते हैं, उसके साथ तादात कर देते हैं, कोई घटना घटी और वो हमारे लिए अनुकूल रहा तो मन खुश हो जाता है, ठीक है ना, अब मन जो खुश हो रहा है ये आप अनुभव कर रहे हैं, कोई ऐसा घटना हुई जिससे हम मन दुखी हुआ तो विषण हो जाते हैं, ठीक है ना, ये जो मानसिक प्रसन्नता अथवा विषन्नता, प्रसन्नता विषन्नता, इसको मैं अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं प्रसन्न अथवा मैं विषन्न नहीं हूँ, मैं प्रसन्नता और विषन्नता का देखने वाला हूँ, ये सुख है ये दुख है, परंतु मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं सुख दुख का दृष्टा हूँ, है ना, इसलिए अभी तीन निर्णय दिया, अस्वातंत्र घटवत अनात्मत्व, घट के समान अनात्मा होने के कारण, फर्स्ट निर्णय, सेकेंड निर्णय कर्णत्व, ठीक है ना, एक कर्ण इंस्ट्रूमेंट, और दीपवत आत्मत्व, इंस्ट्रूमेंट समझाने के लिए दृष्टांत दिया, दीपवत इंस्ट्रूमेंट को समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया, दीप जैसा कुल्हार कभी नहीं कह सकता है कि मैं करता हूँ, ठीक है ना, इसी प्रकार से यहाँ पे ये दीप जो है आत्मत्व, और जो है दीप में जो है आत्मत्व होना संभव नहीं है, इति आप इसी को मन में रखते बोलते हैं मन, इति मनोविद, जैसा प्रकाश दिया आत्मा नहीं होता है, दिया जलता भी स्वयं प्रकाश है, वो अपने को प्रकाश करते हैं, अन्य वस्तु भी प्रकाश करते हैं जब जल जाते हैं, परंतु ये दिया है ये मैं प्रकाश करता हूँ, सूर्य भी आप देखिए सूर्य सारा सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, ठीक है ना, परंतु ये सूर्य है ये प्रकाश करने वाला मैं आत्मा,
भौतिक पिंड है मात्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इसलिए मन आत्मा नहीं हो सकता। मन एव आत्मा इति लोकायुक्त भेद तदपि भ्रांति मात्र तस्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुभवते अस्वातंत्र घटवत अनात्मत्वात् करणत्वात् च दीपवत् आत्मत्व अजगत इत्यादि। ठीक है ना, एक अपने पक्ष में इतना संक्षेप में बता रहा है। यहाँ पे आप देखिए वहाँ पे टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, इतना नंबर टिप्पणी है वो घटवत के ऊपर घटवत बात में आते सर तो आगे भी एक घटवत आ रहा है, आगे भी घटवत आ रहा है, नौ नंबर वो कट जाएगा। हाँ ठीक है, तेषाम अपि अच्छा भी आगे बुद्धि एव आत्मा इति बौद्धिया है ना, विज्ञान को आत्मा मानते हैं। यहाँ पे बहुत विज्ञान बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका नहीं, जहाँ पे सारा विषय की अभिव्यक्ति होती है, जहाँ विषय की अभिव्यक्ति होते हैं उसी को ये लोग विज्ञान बोलते हैं, उसी को विज्ञान बोलते हैं। तो बुद्धि एव आत्मा, क्योंकि हमेशा कोई उसके पीछे वो आत्मा को नहीं मान पाया, और विज्ञान विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं, ये भी उनके पक्ष में एक दोष है। मैं इस चीज़ को समझा, जैसे हमारे यहाँ पे ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन है, ये तो बुद्धि तक है, परंतु इस पेन की ज्ञान मुझे है, ये जो आपको बोध होता है, होता कि नहीं होता, ये बाहर नहीं दिखता, हम सबको है, ये पेन की ज्ञान मुझे है, तभी मैं इसको पेन रूप में व्यवहार कर पाता हूँ, इसकी ज्ञातता के बीच इसको व्यवहार नहीं कर पाएगा। ये पेन की ज्ञान मुझे है, ये बुद्धि के काम नहीं है, इसका बुद्धि के पीछे जो साक्षी बैठो साक्षी भाष है, अथवा मैंने कुछ कहा आपको आप समझ पाया अथवा नहीं समझ पाया, ये दोनों साक्षी भाष्य है बुद्धि के पीछे। समझना बुद्धि के काम है, नहीं समझना बुद्धि के काम, परंतु समझा अथवा नहीं समझा इस ये जिससे समझ रहे हैं वो साक्षी भाष्य है। इसीलिए आप बोलते हैं कि बुद्धि विज्ञानवादी बोध यहाँ पे आकर के आत्मा को नहीं वहाँ पर समझ नहीं पाया कि इसको प्रकाशित कैसे हो रहा है। तो बुद्धि एव आत्मा इति बौद्ध, बुद्धि को ही आत्मा मान लिया कौन, विज्ञानवादी बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं। तेषाम अपि भ्रांति मात्र एव, उनका भी ये सिद्धांत एक भ्रांति मात्र ही है। क्यों, आप जो है इसमें देखना हमारे यहाँ पे आया हुआ है ब्रह्म सूत्र में बौद्धवादियों का खंड पर क्षणिक विज्ञानवाद, उनके मुख्य रूप से फिर सोत्रांतिक वैभाषिक क्षणिक विज्ञान और शून्यवाद, शून्यवाद को तो ऐसे ही छोड़ दिया, बोलते हैं यार ये कोई सिद्धांत ही नहीं है, इसको तो खंडन नहीं करते। और सौत्रांतिक वैभाषिक ये लोग क्या कहते हैं, बाहरी वस्तु के जगत को मानते हैं, परंतु एक अनुमान से मानते हैं, एक प्रत्यक्ष उपमान से मानते हैं। और विज्ञानवादी बोलते हैं बाहरी वस्तु है ही नहीं, ये सारा विज्ञान बुद्धि में बैठी हुई है, और शून्यवादी बोलते हैं कि इससे पीछे कुछ नहीं है। तो ऐसा चार वादियों के मत में यहाँ पे एक छोटा विज्ञानवाद को लेकर के बोलता है बुद्धि एव आत्मा इति बौद्ध तेषाम अपि, उनका भी सिद्धांत तो ये गलती है भ्रांति में एव। क्यों, आप यदि होगा तत् सुषुप्ते व्यभिचारा, सुषुप्ति के समय में जो आत्मा कौन है जो कभी व्यभिचार नहीं करता, सुषुप्ति में आपकी बुद्धि काम करती कि नहीं करती, नहीं करती, यानी कि वहाँ पे व्यभिचार करके आत्मा आत्मा सुषुप्ति में काम करते कि नहीं करते, आत्मा कभी भी नहीं काम करते। कल तो मैं हूँ या मैं अनुभव में बहुत है, मैं आनंद से सोया था, मैं आनंद से सोया था, स्थिति जब उठ करके कोई व्यक्ति बोलते हैं तो क्या साबित करते हैं, क्या सिद्ध करता है इससे, मेरी अस्तित्व थी वहाँ एक मैं सोया था, अब कुछ भी नहीं, न किंचित अवेदिशा, मैं कुछ भी नहीं जाना, अपने अज्ञान को भी, परंतु अज्ञान रहते हुए भी किसी के साथ संबंध नहीं हुआ, फिर भी आनंद की अनुभूति हुई है। तभी तब उठ करके बोला अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई अनुभवकर्ता कोई था बैठा, वो हर चीज अनुभव करता था। चित्त की एक भाग है जो रिकॉर्ड, अनुभव चित्त के रिकॉर्ड में होता है, चित्त मन बुद्धि काम नहीं करता, चित्त का दो भाग है, एक रिकॉर्डिंग भाग एक डिलीवरी भाग, डिलीवरी भी बंद हो जाता है, केवल रिकॉर्डिंग भाग में कुछ समय रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करती, परंतु आत्मा की विद्यमानता में चित्त काम करता है। आत्मा सोए नहीं, प्राण सोए नहीं, तो प्राण भी आत्मा के रहने के कारण काम कर पाते हैं, और जो है इस चित्त भूमि में वो रिकॉर्ड होता रहता है। परंतु जैसे ही बाहर से कोई आवाज, किसी भी इंद्रियों में कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ, किसी भी इंद्रियों में कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ, कुंभकर्ण को घ्राण इंद्रियों में हुआ, बजा बजाया कुछ नहीं हुआ, परंतु कृष्ण के प्रति को तक घ्राण इंद्रियों से उसको जागृत कर दिया जाए,
किसी को त्वक में आप धीरे से हाथ में हिलाते हैं, त्वचा में त्वक इंद्रिय में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, किसी एक इंद्रिय में थोड़ा सा क्षोभ उत्पन्न होने पर वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, तुरंत वो अलर्ट होकर के माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कोई बुलाना चाहता है, वो आपको बुलाना चाहते हैं, तो फिर धीरे धीरे जो है बुद्धि के माध्यम से मन में आकर के जागृत हो जाते हैं। ये अजात शत्रु ब्राह्मण की टीका टिप्पणी करेंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा तो कैसे फंक्शन करेगा। तो सोया हुआ पुरुष के पास ले गया था, है ना, बालाकी को, दृप्त बालाकी को सोया हुआ पुरुष के पास ले गया था और जाकर उनसे पूछा वह ऐसो तदा अभूत उतरे तदा ये इस समय कहाँ जा करके सोया थे, कहाँ से वापस आए। वहाँ पे तो कोई बात ही बोलते हैं श्रुति तो बिल्कुल ही मूर्खानंद है, क्यों आज मैं काल रात को पुनर्धाम में सोया था तो मैं कहाँ से आऊँगा आज सुबह, कल रात को मैं पुनर्धाम के जाके सोया था तो आज सुबह मैं कहाँ से आऊँगा, पुनर्धाम से ना आऊँगा, तो श्रुति ऐसा कैसे पूछ देती है कौ ऐसे तो आप तो कहाँ जा करके सोया था फिर कहाँ से आए। ये श्रुति की प्रश्न है कि भाष्य घर पर आक्षेप नहीं है, इससे क्या दिखाया कि सारा चीज आत्मा से ही आया, वो आयत नहीं उसका तो अभगवन नहीं है, जो भी कुछ उत्पत्ति होता है वो सब प्राण से करते हैं, तो परंतु आत्मा से करते हैं। तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं वहाँ पे कि ये भी जो है कि कोई परमार्थिक तत्व नहीं है, तेषाम अपि भ्रांति मात्र एवं क्यों तत् सुषुप्त व्यभिचारा, सुषुप्त में क्या होता है तो बुद्धि व्यभिचार करते हैं, बुद्धि काम नहीं करते। और वेद्यस्य च घटवत् अतिरिक्त वेद्यत्वात्, और जो भी है वेद्य जो होगा, वेद्य मतलब जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य को वस्तु अपने आप अपने को नहीं जान सकता, उसको जानने वाला कोई दूसरा चाहिए, वेद्य वस्तु के लिए कोई वेदिता चाहिए, जानने वाला चाहिए, और वो विज्ञानवादी बोलते बोलते हैं विज्ञान अपने आप अपने को जानता है, कर्म करते दोषों को दिखाई अपने को विषय रूप में समझता है। हमारे यहाँ पर हम आत्मज्ञान होता है, आत्मा को विषय रूप में ज्ञान नहीं होता, आत्मा का विषय रूप में कभी भी ज्ञान नहीं होता, परंतु अनुभव में आता है, समझ में आ जाता है, बुद्धि समझ नहीं है, इसीलिए हमेशा समझ नहीं, पुस्तक पर के जो ज्ञान होगा वो ज्ञान उससे कुछ भिन्न नहीं करता, उससे कुछ भिन्न नहीं करता है। इसीलिए देखो अभी हमारे सब योग दर्शन में भी क्या बोल कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता से सभी तरह समाधि को हट करके निर्विकल्प समाधि में आ करके वहाँ पर इतना भरा प्रकरण फिर तब नाश है निर्विजय समाधि, वो सब नाश हो जाता है, तब जाके पुरुष तत्व का अनुभव, पुरुष तत्व का अनुभव। इस प्रकार से वेदांतिक सिद्धांतों के साथ ये बोलते हैं कि ध्यान तेषाम अपि भ्रांति मात्र तत् सुषुप्त व्यभिचारा, तो सुषुप्त व्यभिचार होने के कारण वेद्यस्य च जो संसार में वेद्य वस्तु होगा वो घट की तरह अतिरिक्त वेद्य तथा अपने से भिन्न कोई जानने वाला होना चाहिए, नहीं तो आप लोग प्रकाश नहीं कर सकता। यदि आहो किसी को मन में ये बोलते हैं बुद्धि रीति तद्विदः, बुद्धि को सभी ज्ञानवादी बहुत दोनों बुद्धि को आत्मा मानते हैं। यहाँ पे आकर के नौ नंबर टिप्पणी है ना घटवत है आपके पुस्तक में, वो चीज है आठ नंबर, क्योंकि आठ नंबर तो पहले आ गया न चाहते युता दर्शनम तेषां मिथ्या विप्रतिपत्ति दर्शन मिला ना, आठ नंबर ठीक है, आठ को नौ करना पड़ेगा। वहां घटवत इति घट ही स्व अतिरिक्तस्य वेद्य तद्वत, जैसे घट क्या होता है अपने से अतिरिक्त कोई जानने वाला होता है कि खड़ा है उत्पट है ये मठ है कि अपने को जानने वाला अधिक होता है, जड़ वस्तु अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते, जड़ वस्तु को जानने के लिए उसके भिन्न तत्व होते हैं, तो वेदी का जानने वाला, इसलिए होता है यहाँ पे घटो ही, क्योंकि घट जैसा स्व अतिरिक्त अपने स्व मतलब घट से भिन्न स्व अतिरिक्त वेद्य उसके भिन्न से जाना जाता है, जानने जो तत्व थे किसी प्रकार बुद्धि भी हमारे अनुसार है। देखो बुद्धि को जान किससे बुद्धि, किससे बुद्धि की वृत्ति साक्षी भाषा होती है, यानी कि बुद्धि के पीछे आत्मा है जिससे बुद्धि वृत्तियाँ प्रकाशित होती है, तद्वत इति अर्थ, तो बुद्धि भी आत्मा नहीं हो सकता। तो बोला बिल्कुल सही बोला आपने कि बुद्धि भी कुछ निश्चय करते हैं अथवा कोई जिस प्रतिभाष होते हैं अथवा मन को कोई काम होता है उसके लिए हमारे जन्मांतरिक संस्कार चाहिए, जो अनुकूल वस्तु होते हैं उसके प्रति हम दोबारा व्यवहार करते हैं, जो प्रतिकूल वेदन है प्रतिकूल वेदन में हम वहाँ से दूर रहते हैं, तो चित्त है आत्मा, चित्त आत्मा है क्योंकि वहाँ पे सब संस्कार है। हम लोग बोलते हैं कि इस आदमी का संस्कार खराब है, इसके संस्कार कितना अच्छा है, ये जो बोलते हैं ये किसको लेकर के बोलते हैं, लगता आत्मा आत्मा पर तो संस्कार रहते हैं ना, चित्त
हम इतना अलग नहीं कर सकते, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग करके नहीं समझते अपने को, चित्त आत्मा ऐसा कोई बात नहीं मानती। चित्त बोलते हैं चित्तम एव बाह्य आकार शून्य विज्ञानम। चित्त क्या है? बाहरी किसी आकार से रहित अलग। एक बुद्ध दर्शन में दो बात है, एक बात मतलब एक अलय विज्ञान, दो विज्ञान, एक अलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान। अलय विज्ञान, अलय विज्ञान मतलब जो मैं और उसको बोलते मैं घट को जाना, पट को जाना, मठ को जाना, अलय विज्ञान हो गया मैं का, और प्रवृत्ति विज्ञान हो गया आपका विषय का, मैं इसको जाना इसको जाना, ये धारा चलता रहता विज्ञान की फ्लो होता है, और फिर दूसरा वस्तु फिर फ्लो करके फिर चला जाता है, मतलब उसके साथ मैं की अनुवृत्ति रहता है। जैसे हमारे दक्षिण मुख में जो अहम हमें तो अंत स्पलतम शब्द वस्तु इस वस्तु अलग विज्ञान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग विज्ञान को दो भाग करते हैं, ठीक है ना। हम अलग विज्ञान मानते हैं यहाँ पे क्या है, अलग विज्ञान जो दक्षिण अलग विज्ञान सबका अधिष्ठान और बाकी बुद्धि वृत्ति उसको प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि 10 नंबर टिप्पणी में देखिए बोलते हैं बाह्याकार शून्य मतलब अनेक अलय विज्ञान विवक्षणम। बाह्य आकार शून्य देखो बस मैं का मान होता है हो गया अलग विज्ञान, और मैं के साथ जब आप विषय के साथ तो हो गया प्रवृत्ति। तो यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि चित्तम एव बाह्य आकार शून्य, ये चित्त ही जो है बाहर आकार से शून्य होकर के उसको विज्ञान शब्द की तरह कहा जाता है, ऐसा वो वादी बोलते हैं। तद एव आत्मा इति अपर, इस चित्त ही आत्मा है, इस प्रकार से कुछ वादी ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। तो मन मतलब बुद्धि ही मन रूप में दिखाई पड़ता है, हम लोग शास्त्र में इसको बोलते हैं मन को बोलते हैं, बुद्धि को बोलते हैं मनी मनीष, मतलब तो मन को शासन करने वाला मन बुद्धि की तरह शासन होता है ऐसा दिखाया। और फिर जो है बुद्धि भी अपने संस्कार के ऊपर निश्चय करते, इसीलिए चित्त को आत्मा माना कुछ मान, बुद्धि जो निश्चय करते अपने संस्कार के ऊपर। ये पेज मेरे को कभी लिखने में सुख दिया था, जो दुकान में या किसी प्रकार की पेज ढूंढ है ना, इसी प्रकार सारा व्यवहार में ऐसे हो रहा है। इसलिए आप बोलते हैं कि चित्त में वो बाह्य आकार शून्य विज्ञान तदेव आत्मा, वही आत्मा है, इस प्रकार से कुछ लोग मानते हैं। तथापि प्राग उक्त न्याय अविशेषा, वहाँ की जो युक्ति पहले कह दिया गया वो भी सामान्य किया भी लागू होगा कि आपके चित्त में मतलब संस्कार, आप स्वयं जरा देखिए अपने ऊपर विचार करें तो हमारे अंदर कौन सा संस्कार किस समय काम कर रहा है, कौन सा संस्कार की प्रबलता है, ये हम समझते के लिए समझते हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा चित्त वृत्तियों को हम जो है कभी तो चित्तवृत्ति को रोकना संभव, परिवर्तन संभव होगा तब चित्तवृत्ति को रोकना भी संभव होगा। इसीलिए बोलते हैं कि पूर्व जी तत्रापि इस विषय में भी प्रागोक्त न्याय अविशेष जो युक्ति हमने पहले कह करके आया वो भी हमें, वो एक है कि अनेक है, यदि एक यदि अनेक है आप एक मानोगे तो एक से जब काम चलते अनेक को माना क्यों, और यदि अनेक है उनमें से एक भी खराब होगा तो पूरा ही खराब हो जाएगा। इस प्रकार जो पहले युक्ति कह करके आए थे ये सब जो है यहाँ पे लग करके मुख्य रूप से दृष्टित्व रूप में दृश्य दृष्टा भाव विभाजन हो जाता है कि नहीं होता, ये चित्तों की संस्कार आपको दिखाई देता कि समझ में आता कि नहीं आता। यदि आता है तो चित्त भी दृश्य है, चित्त दृश्य है, तो दृश्य होने के कारण वो दृष्टा से भिन्न भाई आत्मा नहीं हो सकता। तथापि इस विषय में भी प्रागुक्त न्याय जो पहले युक्ति कहा गया युक्ति को और विशेषा यहाँ भी उसी युक्ति यहाँ भी लगता है, इसलिए तुल्यम भ्रांतित्व एव यहाँ पे भी भ्रांतित्व तो बैठा हुआ है। तदपि वहाँ पर बोला जाए तदपि भ्रांति मात्र, इसलिए यहाँ भी भ्रांति मात्र यहाँ भी बैठा हुआ है। चित्त आत्मा नहीं हो सकता है, चित्त आत्मा नहीं हो सकता क्यों, ये परिवर्तन होता है और चित्त का निरोध हो जाता है, नहीं तो योग दर्शन ही फेल हो जाएगा। आत्मा का निरोध होगा कि नहीं होगा, इसीलिए चित्त आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा की प्रकाश के आत्मा की वृत्ति मान सके चित्त वृत्ति को रोक सकते हैं आत्मा जानने के लिए, मतलब आत्मा का भी नहीं रोक शुद्ध चित्त आत्मा, इसलिए बोलते हैं वो भी भ्रांति है। चित्तम इति चित्त विधान, चित्त को भी चित्त को लेकर के जो लोग चिंतन करते हैं वो लोग कहते हैं चित्त ही आत्मा है, वो लोग कहते हैं चित्त ही आत्मा है ऐसा, परंतु उसके पीछे एक तत्व तो बैठा हुआ, क्योंकि आपने मन बुद्धि से चित्त सुना है, चित्त में जो संस्कार जाता है वो कहाँ से जाता है बताओ, चित्त में जो हमारा संस्कार जाता है कहाँ से जाता है, आपका धर्माधर्म आचरण से, जो आप आचरण करेंगे ना तद अनुकूल संस्कार होगा, वो आचरण करते समय जैसे मनोवृत्ति होता है तो अनुकूल संस्कार होता है। इसलिए जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि
आगे बोलते हैं कि तदपि प्रागुत प्रणाया अविशेषा तुल्य तमाम के वहीं भी समान रूप में जाते हैं। यहाँ भी भ्रांति है कि चिंता। अब जो है वो क्या धर्मा धर्म धर्मा धर्मो विधि निषेध चोदनागम्यो परमर्थो यदि मीमांसका है ना। विधि निषेध धर्मा धर्म ही जो है आपका जो है आत्मा है। क्यों धर्मा धर्म क्यों आत्मा है? मैं धार्मिक हूँ है ना। आज तो मैं निषिद्ध आचरण किया हूँ, इस प्रकार बोध होता है किसी का धर्म धर्म में जी संस्कार को लेते हैं इसको कुछ लोग कर्ता भोक्ता रूप में धर्म धर्म मुख्य रूप से कर्ता भोक्ता रूप में आत्मा को मानते मीमांसक लोग। इसलिए बोलते हैं धर्मा धर्मो धर्म और अधर्म। ये एक धर्म कैसे होता है? विधि वाक्य से विधि जैसे शास्त्र ने जैसा विधान किया यदि हम शास्त्र भी वर्ण और अष्टम धर्म को पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा धर्म। और शास्त्र निषिद्ध कर्म को यदि हम करेंगे जो हमारे वर्ण और आश्रम में जो कर्म निषिद्ध है उस कर्म को यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए अधर्म हो जाएगा। धर्म आचरण धर्म ये धर्म है या अधर्म है इतना जानने मात्र से आपका पुण्य अपुण्य होगा कि नहीं होगा? ये धर्म है ये अधर्म है इतना आपने जाना इससे आपका पुण्य अपुण्य हुआ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। जब आचरण करेंगे तब अब होगा आपको। भगवान जब ज्ञाता मोक्ष से शुभा भगवद गीता नहीं होता है। आत्मा एक ऐसा वस्तु है उसको जानने के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। शास्त्र पढ़ा आपने, शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे लिए हमें इस वर्ण इस आश्रम का हूँ मेरे शास्त्र ने ऐसा विधान किया और मेरे लिए शास्त्र ने मना किया इतना मात्र जानने से कुछ फल मिलने वाला नहीं। उसको आचरण से फल मिलता है परंतु ये आत्मा है। इस प्रकार से जब बोध उत्पन्न होता है तब कुछ भी करना नहीं पड़ता, बस उस ज्ञान से ही फल होगा। यहाँ पे ये बोलते हैं धर्मा धर्मो विधि निषेध चोदना गम्य। धर्मा धर्म कहाँ से पता लगता है? विधि और निषेध का जो कथन है इसके अंदर जो प्राप्त होता है गम्य से हो गया गम्य विधि निषेध चोदना गम्य जो निषिद्ध और विधान किया गया इससे जो प्राप्त होता है यही परमार्थिक है। वही आपके लिए हर प्रकार की आप फुल फल प्राप्ति के लिए लोग प्रयास करते हैं है ना, दुख से बचना चाहते हैं इसीलिए जो है यही पारमार्थिक तत्व है ऐसा मानना चाहिए। परमार्थो धर्मा धर्मो परम धर्म धर्म ही परमात्मा है क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है संस्कार आता है। इस प्रकार से मीमांसक लोग बोलते हैं तदपि कल्पना मात्र हर जगह पे नहीं रहेगा। मैं जो बोला धर्मा धर्म जानने मात्र उस धर्म धर्म का आचरण करने से होता है तो आचरण करने वाला कोई चेतन तत्व होगा ठीक है। उसका आचरण करने के लिए कोई अधिष्ठान चाहिए कोई कर्म चाहिए। शरीर हो गया आपको धर्मा धर्म आचरण का आयतन और इंद्रिय हो गया धर्म धर्म आचरण के लिए करण। इसका इस कुर्सी में बैठ करके ये हो गया आयतन, ये शरीर पठन पाठन रूपी क्रिया कर रहे हैं और इसमें ये सब करण हो गया वाणी करण हो गया ठीक है ना। ये इसलिए आप बोलते हैं इसलिए ये भी आत्मा नहीं हो सकता तदपि कल्पना मात्र। इसलिए ये भी एक कल्पना मात्र है। क्यों? आप देखिए ये धर्मा धर्म जो है क्या होता है कि देश और काल में व्यभिचार करता है। देश काल में ये व्यभिचार करता है। सामान्य रूप में जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वही होता है इतनी श्रद्धा उसको नहाना पड़ता है ठीक है बोलते हैं ऐसे। अब हिमालय में आए ठंड के समय त्रि श्रद्धा अगर आप नहाओगे और पहले थोड़ा दिन पहले चले जाओ जहाँ पे गीजर आदि की फैसिलिटी नहीं था वो साधन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? हमने जब तक सुना कि एक बड़ी उचित है जो शिवानंद आश्रम नहीं है गंगोत्री है जिसको शारदा कुटी बोलते हैं वहाँ पर शारदानंद स्वामी शारदानंद स्वामी वो ठंड गंगा जी विशाल सुना हूँ देखा नहीं सुना परंतु वैदिक वो दृष्टांत तो नहीं हो सकता वैदिक। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति बुखार है तो बुखार है तो भगवान के नाम लेने में निषेध नहीं है परंतु बुखार में क्या होता है नहाना निषेध हो जाता है दवाई खाना पड़ता है कुछ भोजन में व्यतिक्रम करना पड़ता है। ये सब जो है जो धर्मा धर्म जो है निर्भर करते हैं ये देश काल परिस्थिति को अनुसार धर्मा धर्म बदलते हैं। इसीलिए ये भी कोई पारमार्थिक तत्व नहीं जो व्यभिचार करता है वो पारमार्थिक तत्व नहीं हो सकता। फंडामेंटल इक्वेशन है जो व्यभिचार करता है वो पारमार्थिक तत्व नहीं हो सकता। इसी को समझाने के लिए एक लाइन के अंदर लिख दिया
देश काल आदिशु, देश काल आदि हो, आदि से कहेंगे परिस्थिति, शरीर की अवस्था, सब धर्म हो जाएगा। धर्मा धर्मयोर, कौन धर्म है कौन अधर्म, धर्मा धर्म विप्रतिपत्ति दर्शना, उसको लेकर के अलग अलग धर्मी का आप देखिए। कोई तंत्र उपासना करता है उनकी भोजन की प्रति, और जो वैष्णव लोगों की भोजन की जो बस अलग अलग, और उसके लिए धर्म है। बितारा पीठ में एक वो तांत्रिक बोलते हैं, वो मुर्दा जला रहा था, तो मुर्दा के जलने पर उस सर के नीचे खप्पर जैसा रखते थे, उससे उस तेल निकल रहा था, उसी से चावल बन के खा था। मैं तो देखने से घबराहट हो रहा था, नहीं चला, और धर्म है उसका, क्या करेंगे बताएंगे। और हम लोग मुर्दा छूना भी जो है सिद्ध है, इसलिए कौन किसके लिए कौन धर्म क्या है वो भी है आप निश्चय करके नहीं बोल सकते हैं। यथा इसलिए बोलते हैं आगे, देश काल आदिशु धर्म धर्मयु विप्रतिपत्ति दर्शन, धर्म अधर्म में भिन्न भिन्न प्रकार की जय विरुद्ध प्रतिपत्ति, विविधम प्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति है ना, विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति मतलब बोध, और वि मतलब विशेष, और विरुद्ध विविध सब हो सकते हैं, विभूषण भिन्न भिन्न प्रकार की बोध उत्पन्न, देश काल आदिशु धर्म दर्शन इति आवश्यक मत रखते हुए हमारे यहाँ पे एक बात होता है, धर्म धर्म की चतुर्विद एक दो टिप्पणी दिखाई पड़ रही है। हाँ, देश काल आदिशु, देश काल आदिशु आदि ज्वरादि आक्रांत अवस्थाया, मतलब बीमार परिस्थिति की अनुकूल, ज्वरादि भी नहीं है, मान लीजिए शीतकाल गर्म के गर्मी के समय हम जैसा दो बार नहाना अथवा पूजा पाठ करने से पहले हाथ मुँह अच्छी तरह से धो करके फिर जगह बैठते हैं, ठंड के समय जो है ऐसा होना संभव नहीं, पूरा हाथ पैर जो है। अब गंगोत्री में रहती है, मैं एटीट्यूड जो इधर जा रहे थे गंगोत्री से करते हैं, तो वहाँ पर शिमला बाबा मिले मेरे को, तो गोबर तो मैं पैर सेट होगा, तो मुझे धर्म धर्म को किए, तो मैं उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो हमको जवाब दिया यहाँ रहेंगे कुछ करना नहीं होता, यहाँ रहे नहीं रहे मतलब तो मेरे को सुन करना नहीं होता, सब क्या है तो समझ में नहीं आया, तो उनको उत्तर ये हो गया अब क्या कर रहे थे। मैंने देखा कि वो निश्चय ने कहा से कोई अपना ही कुछ जुड़ा फट गया था, उसको ठीक करा इसका काटा से घूमने का जो काटन है उससे बैठ करके एक पत्थर का ठेक तो वो घूम घूम। हमने सुना दोषी मठ में गुथली बाबा थे, गुथली बाबा उनको टनाने को सेवा था कुछ नहीं, रास्ते से कपड़ा कपड़ा इकट्ठा करते वो यही काम था, वो गुथली जैसा सुनते उसे बोलते थे, कहीं पड़ा रहे वो गुथली में बोलते थे। तो ये जो है कि ये धर्मा धर्म में भी व्यभिचार करते, देश काल आदिश मतलब आदि से जरादि आक्रांत अवस्थाया, जरादि के आक्रांत इस अवस्था में जो है आपका धर्म धर्म में परिवर्तन होता है, अच्छा धर्म धर्मयोर विप्रतिपत्ति होते हैं। देखो धर्म यथा शीत उदक स्नानम स्नानम शीत उदक स्नानम ज्वलितस्य अधर्म इतरेषां तु धर्म इति एवं अन्यत् अपि ऊनम टिप्पणी का देवी तो मतलब ऋषिकेश में रहे ना और उत्तरकाश में भी रहे, ये महादास जो हमारे टिप्पणी लिखा विद्यापाठ इसको विष्णु देवानंद भी उनके उनसे बात, तो वो यहाँ पे भी रहे, तो देखो उसी का तुझे अपना अनुभव शब्द लिखे धर्म बोलते धर्म वही थी, जथा शीत उदक स्नान ठंडा पानी से नहाना ज्वरित अधर्म, जिसका बुखार है उसके लिए अधर्म है, नहीं करना चाहिए, परंतु इतने शंतु परंतु अंधे के लिए वो धर्म है, इसलिए एक ही चीज जो है कभी धर्म भी हो सकता है कभी अधर्म भी हो सकता है, स्थान काल पुरुष इसलिए वो व्यवचार करते हैं कि एवं इस प्रकार से अन्न स्थान में अन्न भी हुई हम अन्न वस्तु को अपने आप युक्ति को समझ लेना चाहिए, अपने आप युक्ति को समझ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये जो चार को अलग अलग करके मानने वाला, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है, कोई चित्त को आत्मा मानते हैं, और चित्त में संस्कार आने के लिए जो क्रिया कम करते हैं उसको आत्मा मानते हैं, इस प्रकार चारों ही जो आत्मा के सबका प्रकाशक है। और हम लोग का स्वरूप है मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ पे भी वो बोला मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं बोलते धर्म, अहंकार तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि अहंकार अलग फंक्शन नहीं करता,
अहंकार मन बुद्धि चित्त के साथ मिलकर के फंक्शन करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं समझता हूँ, मेरे संस्कार ऐसी है। हमें भी हमेशा काकेला मैंने अहम वृत्ति भी जब कभी भी होगा एक अहंकार की वृत्ति किसी एक चीज को लेकर होगा। मैं बोला इस चीज़ को, मैं समझा ठीक, इसीलिए अहंकार को इंडिपेंडेंट फंक्शन अहंकार को नहीं है, किसी के साथ मिलकर ऐसी वहाँ पर नहीं है। धर्म धर्म को अब जो है इतने कथन करने के बाद अब अलग तत्व कितना है, पारमार्थिक तत्व कितना है, ये इसको लेकर के भी अलग अलग सिद्धांत उसको लेकर के अब भगवान भाष्यकर की एक शब्द अब मैं कई दिन दिखाया था आपका कि ये जो इसका व्याख्या करना फल को प्रयोजन और आगे बोलेंगे। देखो अपने आप इस चीज को सूक्ष्मता है, अपने अपने जन्मांतरीय कर्म और संस्कार के अनुसार, अपने अपने जन्मांतरीय कर्म और संस्कार के अनुसार जैसे जैसे शब्द हम सुनते हैं ना, हमारा जैसा संस्कार है तद अनुकूल उस संस्कार को उस वस्तु को हम पकड़ते हैं और उसी को पकड़ करके तब आधार अर्चन करते हैं। एक ही चीज बोला, किसने बोला कि ये जो है ये जो सिद्धि है ये सिद्धि साक्षात भगवान। अब जन्मांतरीय संस्कार भक्ति में रहेगा अथवा सिद्धि आराधना में रहेगा जो अच्छा रहेगा, परंतु थोड़ा वेदांत तो सुना, वेदांत तो जन संस्कार है शिव जी ठीक है, परंतु ये लिंग जो है शिवलिंग परम तत्व तो नहीं है, क्योंकि दृश्य में दिखाई दे रहा है इसको, इसके अंदर जो सच्चिदानंद बैठा वो परम जो तो नहीं दिखाई देगा, परंतु जिसके रहने के कारण है लिंग को सत्ता स्पूर्ति हमको समझ में आ रहा है, उधर भी इधर जो समझ रहा है जिसको समझ रहा है। इस प्रकार से देखिए एक ही शब्द बोला परंतु उसका अंदर जैसे संस्कार होता है तद अनुकूल उसको उनको अच्छा लगता है, तद अनुकूल व्यवहार करता है। जिसको जो मतलब जहाँ कर्म भी होता है किसी को एक बार या दो बार में अच्छा जगह पे अच्छा व्यवहार अच्छा वस्तु गाइडलाइन मिल जाता है, कोई व्यक्ति भटकता रहता है। एक व्यक्ति कल आया था मेरे पास, सीताराम दास ओंकारनाथ आनंद महिमा इनके सान्निध्य में आने पर भी उनकी बोला कि ठीक है मंत्र दीक्षा देंगे पुनः जो मतलब बैठो मथुरा मधुर निश्चय के आगे चला आया नहीं लिया और अब भटका हो रहा है कि मेरे को इतना अच्छे 85 ईयर्स हो गया। आप क्या सुना रहे थे आप क्या करेंगे, यही है कि प्रारंभ जन्मांतर में कुछ ऐसा कर्म रहा होगा कि अच्छे पुरुष के संस्पर्श आने पर भी उनके से उनसे लाभ लेना नहीं हो पाया। आप देखिए अगले को लेकर के बोलते हैं कि तत्व कितने हैं उसको लेकर के पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहु रणन्ता इति चापरे पंचविंशक इत्येके कोई बात नहीं बोलती है। ये सांख्य में जो 25 तत्व है पुरुष और प्रधान और फिर प्रधान का जो है 7 हो गया प्रकृति विकृति और 16 हो गया केवल विकृति, 16 हो गया केवल विकृति, 7 हो गया प्रकृति विकृति, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा 23। एक हो गया प्रधान को केवल क्या है प्रकृति है और पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है, इस प्रकार 25 तत्व को सांख्य दर्शन ने माना। एक पुरुष एक प्रकृति, पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है, एक हो गया मूल प्रकृति और उस मूल प्रकृति से 7 जो निकला कि अहम महत तत्व अहम तत्व तन्मात्रा है, ये 7 हो गया आपका प्रकृति भी है विकृति भी है, मतलब महत तत्व मूल प्रकृति का विकार है परंतु अहम तत्व का प्रकृति है, कार्य भी है कारण भी है, प्रकृति विकृति मतलब प्रकृति हो गया कारण विकृति हो गया कार्य, ये 7 जो है प्रकृति भी विकृति भी है और 16 तत्व पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच महाभूत और मन, ये 16 तत्व जो केवल विकार विकार है, ऐसा 25 तत्व को मानते हैं सांख्य दर्शन। मतलब योग दर्शन में आकर के एक पुरुष विशेष को माना क्योंकि प्रकृति और पुरुष को नियंत्रण करना दोनों के संस्पर्श हमेशा बना हुआ दोनों विभू है, हमेशा सृष्टि होता रहेगा तो हमेशा लोग प्रलय रहेगा, सृष्टि असर पड़ रहा कि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, इसलिए वहाँ पे योग दर्शन में ईश्वर तत्व बोला पुरुष विशेष। सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक माना प्रकृति को एक माना,
और वेदांत दर्शन में अंतकरण को अनेक माना गया है और पुरुष एक है, सूर्य एक है, अंतकरण अलग 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 घर अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति में 16 और 7 23 पुरुष एक 24 प्रकृति सांगे प्रकृति सांगे मूल प्रकृति प्रधान जिसको बोलते हैं प्रधान शब्द के द्वारा भी बोलते हैं। और इसके बाद षड्विंशी मतलब वहाँ पे ईश्वर तत्व बुलाया, ईश्वर तत्व को 26 हो गया ये योग दर्शन पतंजलि योग दर्शन। फिर पाशुपति माता नाम बोली 25 तत्व से अतिरिक्त राग अविद्या नियति काल कला और माया इच्छा को अलग माना, इसको अलग माना। जैसे राग देश में क्लेश के रूप में बोला था, अविद्या पंच क्लेश मान करके अविद्या उसमें राग देश अभी पंच क्लेश माना था योग दर्शन में, वो इनको अलग 6 तत्व माना पाशुपति मत में। इसलिए राग अविद्या नियति काल कला और माया इच्छा तत्व अलग माना। हर कोई बात ही बोलता है जो दिखाई दे रहा सभी तत्व अनंत विचार, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो दिखाई दे रहा सभी सत्य है, ये वो अनंत वादियों की परमार्थिक वस्तु और जो भी दिखाई दे रहा सभी सत्य है, इस प्रकार से मानते हैं। जगत को सत्य मानने वाले सब तत्व इस प्रकार से मानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रधान मूल प्रकृति, ठीक है, प्रधान हो गया मूल प्रकृति, इसका विकृति नहीं है। महत अहंकार तन्मात्राणी इति शब्द प्रकृति विकृतय, महत्त्व अहंतत्व शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा गंध तन्मात्रा, ये 7 तत्व हो गए। ये तन्मात्रा हो गया आपका प्रकृति की विकृति, मतलब महत्त्व से अहंतत्व, इसलिए महत्त्व हो गया मूल प्रकृति के विकार परंतु अहंतत्व का कारण, इसलिए प्रकृति गया। फिर अहंतत्व हो गया आपका महत्त्व का विकार परंतु तन्मात्राओं के कारण, इसलिए प्रकृति भी विकृत है। शब्द तन्मात्र आपका स्पर्श तन्मात्र के लिए कारण मानते हैं, शब्द तन्मात्र प्रकृति भी है विकृति भी है कि वह का विकार है। इसी प्रकार जो स्पर्श तन्मात्र आपका रूप तन्मात्र के कारण होता है, इस प्रकार से प्रकृति विकृति। और जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय यानी पंच विषय और मनस्य मनस्य एकमिति षोडश विकार, ये केवल विकार है 16 तत्व विद्या यहाँ पे, ठीक है ना, कष्ट करके विद्या ठीक है। पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेन्द्रिय कहाँ से बना हमारा, ये ओपन के सिद्धांत के अनुसार अहम तत्व के संकल्प से मुख्य रूप से ही है। हमारा संकल्प था कि हमें उल्टा शरीर मिले तब हम तन्मात्र को समझ उसको बनाए, और श्रुति भी ऐसा बोलते हैं मनोसंकल्प शरीर मन के संकल्प से प्राण आते हैं शरीर। उनकी तस्वीर में एक बड़ी विचित्र बात है, विचित्र बात क्या है, प्राण को कोई तत्व के रूप में गिना ही नहीं, कोई तत्व शंख दर्शन में तो नहीं गिनते। जब तक देखिए जो देखिए वो तो दिखाई नहीं, हम क्या बोलते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच विषय पंच महाभूत और मनुष्य एक ईश्वर शोभी सोना ये, और हो गया 7 हो गया प्रकृति विकृति, एक हमारा प्रधान तत्व हो गया केवल प्रकृति और पुरुष तत्व हो गया आपका प्रकृति भी नहीं विकृति भी प्राण को नहीं। तो उनका क्या क्या कहना है, एक पिंजरे में अगर 10 चिड़िया अलग अलग विषय खाना चुग रहा है तो पिंजरा अपने आप हिलता है, पिंजरा अपने आप हिलता रहता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, इस पिंजरे में 10 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं तो इंद्रियों के व्यापार करते हुए ये अंदर पिंजरा अपना हिलता रहता है। ये जो हमारे प्राणपाद आया हुआ है ब्रह्मसूत्र उसमें ही आया था, स्पष्ट करके समझाया गया है वो प्राण तत्व को माना है। देखिए योग दर्शन पूरा प्राणायाम को ऊपर आश्रय करके चलता है, योग दर्शन अब तो करण शुद्धि के लिए हम तो प्राणायाम आदि के मानते हैं। जैसे सांख्य दर्शन में पुरुष ही आत्मा भी है, वही तो है आपको माना कर माना कौन के इसको पुरुष को तो आत्मा बोलते हैं, आत्मा को नहीं माना, मैं नहीं बोल रहा हूँ सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं माना, सांख्य दर्शन में ईश्वर तत्व को नहीं माना, इसलिए योग दर्शन को ईश्वर को लाना पड़ा। सांख्य दर्शन में पूर्व मीमांसा दर्शन यहाँ तक आपको ईश्वर शब्द नहीं है। एक बात ही कर्म से ही जो है सारा चीज हो जाता है, पूर्व से हो जाता है ऐसा मानते हैं, और एक बात ही प्रकृति सब कुछ करते हैं पुरुष के संगीत में ऐसा कहते हैं, और यही पे रखे परंतु मैं पहले बात भूल जाऊँ इसलिए अभी बोल देता हूँ कि 5 में आने वाले एक अनिवार्य है निमंत्रण, क्या बोलते हैं आमंत्रण नहीं है, आना ही होगा कल 11:30 बजे प्रणव स्वामी दृष्टि भंडार 30 मिनट, तो सब जो है सागर आमंत्रित है। और ये आप थोड़ा रामेश्वर जी को बोल देंगे शिवशंकर जी हमारे
हाँ ठीक है, और परसों 12 तारीख को 3:30 बजे ब्रह्म गीता में राम नाम संकीर्तन, ठीक है, राम नाम संकीर्तन आपको आप 3:30 बजे तक आ जाओगे तब क्लास की जगह राम नाम राम नाम संकीर्तन, क्योंकि हम सोच रहे बाद में करेंगे परंतु उसी दिन बाद में 5:30 बजे कैलाश प्रेमा माता जी का कुछ वहाँ जाना था 5:30 बजे तो उसी वहाँ पर कोई 3:30 से 4:30 प्रेमा माता जी राम नाम कल नहीं है, कल 11:30 बजे प्रणाम था, मैं राम नाम नहीं है सामान है दीक्षा की व्यवस्था सभी की, और 12 तारीख को राम नाम की संख्या, 11 तारीख को 11:30 बजे प्रणाम था है दीक्षा की, 12 तारीख को 3:30 बजे राम नाम ब्रह्म गीता पिछड़े सामान एक मिनट आपको कब बना इंग्लिश में बता दीजिए यू अंडरस्टैंड इट और नॉट इंग्लिश में बता दीजिए नो पार्ट तो अपनी रेगुलर को 3:30 बजे वाला नहीं होगा 12 तारीख को इवनिंग पार्ट नहीं होगा वो तो रेगुलर मॉर्निंग पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं ओम नमः।